हेलो फ्रेंड्स, आप स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल में। फ्रेंड्स, आप अगर चाहते हैं कि आपका व्हाट्सएप का चैट ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए बिना डिलीट किए हुए, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप व्हाट्सएप का चैट ऑटोमेटिक कैसे डिलीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप अगर चाहते हैं कि आपका व्हाट्सएप का चैट ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए बिना डिलीट किए हुए, तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल का व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। फ्रेंड्स, एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद आपको जिस भी फ्रेंड का चैट ऑटो डिलीट करना है, आपको उसके प्रोफाइल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको आई का आइकॉन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे जाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको डिस्पेयरिंग मैसेज का ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑफ है, आपको इस पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको तीन प्रकार का ऑप्शन दिया गया है। एक तो है जो 24 घंटे में आपका एसएमएस डिलीट हो जाएगा, एक 7 दिन में डिलीट होगा, एक दिया हुआ है 90 दिन में। फ्रेंड्स, आपको जो भी पसंद है उस इस ऑप्शन को यहाँ से चुन लेंगे। चुन लेने के बाद आपको अब सिंपल सा बस बैक आ जाना है। फ्रेंड्स, अब आपके मोबाइल पर डिस्पेयरिंग मैसेज स्टार्ट हो गया। जैसे कि प्रोफाइल पर आप देख सकते हैं, आप जब भी किसी से चैट करेंगे तो आपका चैट 24 घंटे के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।